हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारी क्लास, ठीक है, क्लास है हमारी 1000 to 1500, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिएगी, फ्रीक्वेंसी। फिर हमें क्या चाहिएगी, फ्रीक्वेंसी के बाद एक्स आई, ठीक है। एक्स आई के बाद हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस ए, फिर एफ आई डी आई, एंड आफ्टर दैट बस ये चाहिएगा हमें, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, इस तरीके से हमने टेबल को बना लेना है, ठीक है। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हमने सारी लिख लेनी है, प्रॉपर ऐसे टेबल बनानी है, और ये हमारा क्या है, टोटल। अब देखिए एफ आई, एफ आई हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी 24 40 33 x 30 22 16 and 7। टोटल क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 9 और 6 15 15 और 7 22 का 2 2 4 8 11 14 16 17 172 plus x 172 plus x। ये क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया किसका, फ्रीक्वेंसी का। एक्स आई देखिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स एक्स आई क्या होती है हमारी, 1000 और 1500 में कितना डिफरेंस है, 500 का 2 से डिवाइड कीजिए, 250 को ऐड कीजिए, 1000 में 1250, 500 ऐड करते रहिए, 1750, 2250, 2750, 3250, उसके बाद 3750, 4250, 4750, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या आ गई, एक्स आई आ गई। अब हमें क्या मांगनी, क्या मानना है हमारा, एज्यूम्ड मीन, क्या मानना है, एज्यूम्ड मीन। लेट, सॉरी यहाँ पे लिखिए, लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 2750, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इज इक्वल टू ए। नाउ हमें टोटल, टोटल फैमिलीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी गिवन है, 200 गिवन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 200 है,
और टोटल नंबर ऑफ एफ आई हमारा कितना निकला, 170 प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200, एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 172, एक्स इज इक्वल टू 28। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 28 निकल गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम चाहे इसको पेंसिल से लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 28। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा ए कितना है, 2750, और एक्स आई 1250 माइनस 2750 कितना हो जाएगा, माइनस 1500, उसके बाद माइनस 1000, उसके बाद माइनस 500, 0, 500, 1000, 1500 एंड 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 15 से कीजिए, तो कैसे हो जाएगा ये देखिए, 24 गुना 12 यानी 12 गुना 30, 12 गुना 30 यानी 36, ये माइनस 36000, उसके बाद 14 into 1000 माइनस 40000, 2233 into 5, 30 गुना 515000 प्लस 1500 माइनस 16500, 0, 15000, 22000, 16 गुना 15 यानी 8 गुना 30, 8 गुना 30 मतलब 24, 2 गुना 7, 14, 14। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए 15, 17, 27, 37, 41, 51, 61, 65, 75, तो ये क्या आ गया हमारा, 75000 माइनस 36, 36 माइनस कीजिए, 36 और 40 कितना हो गया, 76, कितना हो गया 76 माइनस 76000, कितना हो गया माइनस का 1000 माइनस 16500 दैट इज माइनस 17500, तुम्हारा क्या आंसर आ गया माइनस 17500। तो ये हमारा सिग्मा टोटल कितना आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया माइनस 17500। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया एफ आई डी आई कितना आ गया, इतना। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है हमारा 2i 200 एंड सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारा माइनस 17500। यहाँ से निकाल लेते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई माइनस 17500 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, सोल्व करके ये जीरो से जीरो कट गया, माइनस 87.5। ठीक है, अब देखिए हमारा मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो मीन क्या हो जाएगा, क्या है ए, ए है हमारा 2750 माइनस 87.5, तो मीन की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2750, 2750 में से 87 कीजिए, 2650 जमा 12.5 कितना हो जाएगा 2662.5। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमने इसमें क्या रिजल्ट निकालना है, इस सम में x इज इक्वल टू 28 और मीन, मीन कितना है, मीन इज इक्वल टू 2662.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या आ गया 2662.5 हमारा क्या आ गया मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रुपीस लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कंजस्टेड होता है इसलिए मेरे को बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, बट आपके पास जो स्पेस होगा वो फुल होगा, तो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपने एग्ज़ाम में लिखना है।